हे एवरीबॉडी, आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं Redmi Note 9 Pro। एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं टेक बिग बी और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करते हैं Mi 10 i और ब्लू कलर में मैंने इसे मंगवाया है। ऑफ कोर्स एक रिटेल यूनिट है, तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। खोलते हैं तो लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय Xiaomi। उसके अंदर रखा हुआ है फ़ोन और काफ़ी हल्का फ़ोन है और बहुत ही अच्छा कलर है ब्लू। फ़िलहाल मैं एक्सेसरीज बता देता हूँ आपको। एक 33 वॉट का चार्जर है और टाइप सी टू USB एक केबल है। उसके साथ में सिम प्रोजेक्टर टूल है और एक TPU केस है जो कि ठीक ठाक क्वालिटी का आपको मिल जाता है। वेल, अभी बात करते हैं फ़ोन की, तो जल्दी से इस रैप को निकाल देंगे। तो इस कलर का नाम इन्होंने दिया है अटलांटिक ब्लू, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा। तो सबसे पहले हम डिवाइस को बूट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसे दिया गया TPU केस लगाने पर कुछ ऐसा दिखेगा, तो इस स्टिकर को भी निकाल देंगे। आप वन हैंड से इसे यूज़ कर सकते हैं, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। और इनिशियल सेटअप मैंने कर दिया है इसमें। सबसे पहली चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिफ्रेश रेट जो है 60 हर्ट्ज़ पे सेट किया गया है। आप इसे पहले 120 हर्ट्ज़ पे कीजिए। देखिए काफ़ी स्मूथ स्क्रोलिंग हो चुकी है अभी। और मैं आपको सबसे पहले इसका स्टोरेज बता देता हूँ। 128 GB का ये वेरिएंट है और 18.3 GB जो है इसमें ऑक्यूपाइड है। अब जैसा कि आपको पता है ये Xiaomi का डिवाइस है और ब्लोटवेयर तो रहेगा ही। सारे जो एक्स्ट्रा ऐप्स है जो नेसेसरी नहीं है उसे आप आराम से अनइंस्टॉल कर दीजिए और नेसेसरी ऐप्स जो है डाउनलोड कर दीजिए। वेल, ब्राइटनेस का भी कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा ब्राइट है ये फ़ोन। तो चलिए बात करते हैं फिज़िकल ओवरव्यू की। फ़ोन के राइट साइड पे है वॉल्यूम रॉकर्स और फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि एक फ़िज़िकल पावर बटन की तरह काम करेगा। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है और हेडफोन जैक है। ऊपर की तरफ है IR ब्लास्टर और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। और सिम ट्रे की बात करेंगे तो एक आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, यानी एक नैनो सिम और SD कार्ड या फिर दो नैनो सिम। वेल, Mi 10 i लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर पे आता है, जो कि एक 5G बेस्ड प्रोसेसर है। 77, 78 sub-6 इसके 5G बैंड्स है। UFS 2.2, Android 10, MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें मिल जाता है और 4820 mAh की बैटरी है। 0.67 इंचेस की 120Hz का एक HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। IPS LCD है, AMOLED नहीं है। बहुत लोगों को डाउट था कि इसके स्टीरियो स्पीकर्स है या नहीं। जी हाँ, स्टीरियो स्पीकर्स है इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। कैमरा डिपार्टमेंट में 108MP का वाइड सेंसर है, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ। वेल, इसके कैमरास में बाकी सारे बेसिक्स से आपको चीज़ें मिल जाएंगे। मैं कुछ सैम्पल्स लेके आपको डाल दूंगा। देखिए 1x और 2x और वीडियो मोड में भी आपको सारे अप टू 4K 30fps तक आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ सिनेमैटिक्स के कुछ इफेक्ट्स या कुछ ऐसा है, तो मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, आप देख सकते हैं फ़ोटोज़।
7th ऑफ जनवरी को इसकी पहली सेल थी और मुझे सेम डे पर ही डिलीवर हो गया था रात को 8 बजे, थैंक्स टू अमेज़ॉन। काफ़ी इंप्रेसिव फ़ोन लग रहा है अभी तक ये, और इसके ऊपर मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। अभी इसके कैमरा के कुछ ही सैम्पल्स डाला हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी रात के 2 बजे हैं और आर्टिफिशियल लाइट्स में ही मुझे जो है इसके फोटोज लेने पड़े। मैं इस फ़ोन को एज डेली ड्राइवर यूज़ करने वाला हूँ, एज माय प्राइमरी डिवाइस, और देखते हैं ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। रिलेटेड और कोई चीज़ जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और इसके ऊपर मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। हर चीज़ की टेस्टिंग होगी, इसका बैटरी टेस्ट, गेमिंग वगैरह हर चीज़ में टेस्ट करूँगा, और आप कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछ सकते हैं, मैं मेरी अगली वीडियो में उसे कंसीडर भी कर दूँगा। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन गुड बाय।